नमस्कार दोस्तों, बिजली की दुकान YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी गर्मियां शुरू हो चुकी है और गर्मियों के दिनों के अंदर आप जब भी कूलर चलाएंगे या फिर पंखे चलाएंगे तो रूम्स के अंदर गर्म या फिर हुमस हो जाती है, उसको बाहर निकालने के लिए आप एग्जॉस्ट फैन जरूर परचेज करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रम्पटन कंपनी का नया मॉडल मार्केट के अंदर एक एग्जॉस्ट फैन का आया तो उसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसके फीचर्स आपको बताने वाले हैं और साथ में इसको चलाकर आपको टेस्ट करके भी दिखाने वाले हैं और साथ में इसका प्राइस भी हम आपको बताने वाले हैं। क्रम्पटन कंपनी का ड्रिफ्ट एयर प्लस है जो कि 225 mm यानी कि 9 इंच का है और यह जो एंटी डस्ट के अंदर यानी कि धूल मिट्टी का, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फीचर्स की हम बात करते हैं तो साइलेंट फैन है और स्लीक एंड स्टाइलिश आपको डिजाइन मिलने वाला है। मेटल ब्लेड एंड बॉडी, क्रोसिन रिस्टेंस कोटिंग ऑन ब्लेड एंड बॉडी आपको मिलने वाली है। अब हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो ऊपर कंपनी टेप थी उसको हमने हटा दिया है। अब ऊपर की साइड देखेंगे और देखेंगे अंदर की तरफ तो यहाँ पर बहुत ही बेस्ट आपको पैकिंग मिलने वाली है। देख पा रहे हैं अंदर पॉलिथीन के अंदर अच्छे से पैक और साइड में सभी साइड गत्ता लगाया ताकि टूट फूट ना हो। बॉक्स के अंदर एक आपको इसका वारंटी कार्ड मिलने वाला है, 2 साल की कंपनी के द्वारा इसकी वारंटी दी जाती है और इसका टोल फ्री नंबर है। 2 साल तक कोई भी दिक्कत आए तो आप टोल फ्री सर्विस अपने घर पर ही ले सकते हैं। इसको हम मैनुअल बुक भी बोल सकते हैं, किस तरह से आप इसे इंस्टॉल करेंगे वह जानकारी भी इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। एग्जॉस्ट फैन को हमने बॉक्स से बाहर निकाला, सामने से इसका लुक देखें तो इस तरह का लुक आपको देखने को मिलने वाला है। सामने आपको लोहे की जाली सामने की तरफ देखने को मिलने वाली है, बीच में क्रम्पटन कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इस फैन की हम फिनिशिंग की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आपको मिलने वाली है। बहुत ही बढ़िया पैंट इसके ऊपर किया हुआ है, एंटी डस्ट के अंदर यह फैन है। अंदर जो ब्लेड लगे हुए हैं दोस्तों वह 9 इंची साइज के ब्लेड हैं जो कि मेटल के हैं। जो गुलाई के अंदर हम बात करते तो 9 इंची होंगे और साइड में आपको 4 होल देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर से पेच और गिट्टी लगाकर आप इसे कहीं पर इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे दीवार के ऊपर चाहे फर्नीचर बोर्ड के ऊपर। अब हम साइज की बात कर लेते हैं, जैसे कि जो होल टू होल हम इसके साइज के मापेंगे तो आपको 13 इंच मिलने वाला है। यदि हम क्रॉस के अंदर करेंगे आमने सामने इस तरह से आप नापेंगे तो लगभग 9.5 इंच का आपको गैप मिलने वाला है, तो आप उसके हिसाब से इसे इंस्टॉल करेंगे। पीछे साइड में आपको एग्जॉस्ट फैन इस तरह का देखने को मिलने वाला है, छोटी सी बार बाहर निकली जिसको हम बिजली के अंदर लगाते हैं। अभी भी इसके ऊपर मोटर होती है, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है। स्टिकर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर इस फैन के बारे में सभी जानकारी आपको मिलने वाली है, जैसे कि ड्रिफ्ट एयर प्लस यह मॉडल है, 225 mm यानी कि 9 इंची का है। 220 वोल्ट की जो बिजली हमारे घर के अंदर आती है उसके अंदर हम इसे आसानी से चला सकते हैं। 38 वाट यह बिजली खपत करता है और 1370 इसके RPM यानी कि 1370 बार यह घूमता है 1 मिनट में, यानी कि इसको हम नॉर्मल स्पीड का एग्जॉस्ट फैन बोल सकते हैं। इस एग्जॉस्ट फैन को हमने चला दिया है, अब आप सामने चलता हुआ एग्जॉस्ट फैन देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी हवा का जो प्रेशर है वह भी आप सुन सकते हैं, जो हवा का प्रेशर से आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। तो यह जो एग्जॉस्ट फैन है नॉर्मल स्पीड के अंदर है और एयर कटिंग की आपको इसकी आवाज़ जो है वह सुन रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया एग्जॉस्ट फैन है। नॉर्मल साइज़ का यदि आपका रूम है तो उसके लिए एकदम बेस्ट यह है, ज़्यादा बड़े रूम्स के लिए यह एग्जॉस्ट फैन है। जैसे कि 8x8 का कोई रूम है, 8x9 का है या फिर 8x10 का, तो नॉर्मल आपको हवा बाहर निकालनी है या फिर छोटे साइज़ का रूम, उसके लिए एकदम बेस्ट यह एग्जॉस्ट फैन है। इस एग्जॉस्ट फैन का जो MRP है 2279 रुपये दिया हुआ है, परंतु आप इसे मार्केट से परचेज करेंगे तो लगभग 1300-1350-1400 रुपये तक का यह एग्जॉस्ट फैन आपको आसानी से मिल जाएगा 2 साल की गारंटी के साथ में। और मेड इन इंडिया यह एग्जॉस्ट फैन है, क्रम्पटन कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसकी है। तो दोस्तों आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो मार्केट से परचेज कर सकते हैं, इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में आप YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।